पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नसीम खान ने दलित जाटव समाज के कार्यकर्ताओं से लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। जिला कांग्रेस अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नसीम खान ने कहा, आज दलितों पर वर्तमान भाजपा सरकार ने अत्याचार किए हैं, उसको लेकर दलित समाज में रोष है। उन्होंने कहा कि दलित समाज पर अत्याचार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित की आवाज बुलंद की है, जिसको लेकर आज पूरे देश में दलित कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में दलित समाज भाजपा का पत्ता साफ करके दिखाएंगे। सभा में सुरेश चंद्र, लाल सिंह भारती, सलीम अख्तर, नवनीत मिश्रा, आसिफ सिद्दीकी, साहेल भारी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। उद्देश्य यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और उस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और उसी के सिलसिले में ये मैं SC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने SC डिपार्टमेंट के अंदर सेक्टर जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसमें 8 लोकसभा आती हैं, उसमें मुरादाबाद भी है। आज मुरादाबाद हम लोग बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं, SC कम्युनिटी में बूथ स्तर तक हमारे वर्क कर रहे हैं और हम लोग जो है बूथ स्तर तक अपने वर्कर को खड़ा कर सके, उसी को लेकर के अध्यक्ष कमेटी को लेकर समीक्षा बैठक की, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सर, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय कुछ नहीं है, अभी बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बूथ स्तर तक हम अपने बूथ वर्कर, बूथ कमेटी SC डिपार्टमेंट की खड़ी करेंगे और उसमें लगातार ये बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है और हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद कहीं पूरे उत्तर प्रदेश का हर समाज, किसान, नौजवान, दलित, मुस्लिम, हम बिरादरी से अलग हट करके पूरे समाज के अंदर हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति हमें वोट देने जा रहा है, जैसे 3 राज्यों के अंदर दिया, और देश के विकास के लिए, मुरादाबाद के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है।